back to my channel. आज मैंने अपना सब कुछ सेट कर लिया था, लाइक पेपर सेट हो गए थे मेरे पेंसिल सेट हो गई थी, सारी रेडी कर ली थी मैंने सब कुछ चीज़ें. फिर मुझे अंदाज़ा हुआ कि जो ड्राइंग बोर्ड है जिसके ऊपर मैंने शीट लगा के काम करना था वो मेरी बहन के पास है, उसने कोई अपना काम करना था ड्राइंग का, तो वो फिर आज नहीं हो सकता. मैंने सोचा कि मैं आज वीडियो बनाना स्किप कर दूँ, फिर भी मुझे एक आइडिया आया. मुझे फिर ये आइडिया आया कि मैंने जो अपने अपने रूम में चीज़ें लगाई हैं मैं आज आपको वो दिखाऊंगी, या फिर जो मेरी फर्स्ट ईयर की सारी असाइनमेंट्स हैं मैंने क्या सीखा फर्स्ट ईयर में मैं वो दिखाऊंगी, और मैंने क्या क्या टेक्निक इस्तेमाल की मैं दिखाऊँगी, ताकि कोई एक दिन भी जाना हो जाए. तो आज जो है मैं आपको अपनी सारी आर्ट की चीज़ें दिखाऊँगी. ये मेरी फर्स्ट ईयर की स्वान जो कि मैंने फर्स्ट ईयर में बनाई थी अपने स्कल्पचर के असाइनमेंट के लिए, ठीक है. एडिटिव मेथड से क्ले के मीडियम में ये बनी हुई है और देखने में बहुत छोटी लग रही है लेकिन बड़ी है, लेकिन और इतनी नहायत हैवी क्योंकि एडिटिव मेथड से बनी हुई थी, तो वो छोटे छोटे सर्कल्स बना के हमने क्ले के, तो उसे जोड़ जोड़ के हमने ये बनाई थी और बहुत मुश्किलों से बनी थी क्योंकि पहले हमें ये एग बनाना था. एग जब बन गया था तो उसके ऊपर फिर हमने ये इसकी नेक बनानी थी, ठीक है. फिर हमने विंग बनाना था, दूसरी साइड का विंग मेरे से टूट गया, मेरे से गिर गई थी, तो एक साइड का ही बनाए, तो ये हमने बनाया था सबसे पहले. ये मैं इधर ही अपने पास अपनी टेबल पर रखती हूँ क्योंकि वाई नॉट, आई लव दिस अलॉट, इसमें मेरी इतनी मेहनत लगी थी. और फिर पीछे की तरफ इधर जो ड्राइंग्स आती हैं ये शायद आपको नज़र ना आता हो, ये है वो ड्राइंग्स, ये मैंने नहीं बनाई थी ये मेरी बहन ने बनाई थी, मेरी बड़ी बहन शी इज़ अ टेक्सटाइल डिज़ाइनर, तो उसने अपने असाइनमेंट के लिए बनाई थी, तो मुझे बहुत पसंद है तो मैंने अपने पीछे सीरे लगा के रखी हैं. ये वाली पेंटिंग ये मैंने एक आर्ट कंपटीशन के लिए बनाई थी, अल्हम्रा में देना था, नहीं सिलेक्ट हुई, आई डोंट नो व्हाई, लेकिन मैंने तो उसको उठा के अपने कमरे में लगा लिया बिकॉज ब्लू यू नो. फिर आता है ये वॉल मैंने खुद ही पेंट की थी वैसे, बाय द वे मैं बात बता दूँ सारी, तो ये जो मैंने पेंट की थी वॉल, तो मैंने उसके ऊपर मंडाला स्टाइल का एक डिज़ाइन बनाया था क्योंकि मुझे मंडाला बहुत पसंद है. मुझे बहुत पसंद है कि एक एक लाइन में डिज़ाइन बनाएं, यू नो, बस बहुत पसंद है मुझे ये सब, तो ये भी मैंने किया था. मैंने वॉल के ऊपर एक्रेलिक्स यूज़ किए थे, एज यू कैन सी इतनी शाया इसीलिए यार पे एक्रेलिक्स हैं, तो ये सारा मैंने इसी तरह से बनाया था. फिर आती है मेरी ये ड्राइंग, ये आई गेस 2017 या 18 में, नहीं 2017 में बनाई थी मैंने, हाँ 2017 में बनाई थी, बहुत ज़्यादा जाएगा. इसमें मैंने एक तो एक्रेलिक्स यूज़ किए थे 2x2 का, शायद ये कैनवस है, हाँ 2x2 का, 2x2 का कैनवस है. इसके ऊपर मैंने बहुत मेहनत की थी, ये मैंने लिबर्टी से जाके सारी चीज़ें ली थी, लेस वगैरह और सारा कुछ, और ये सारा मैंने इसके ऊपर लगाया था. ये मोती सितारे लगे हुए हैं सारे, और यहाँ पर भी सारे मोती सितारे लगे हुए हैं, यहाँ पर भी सारे मोती लगे हुए हैं, तो ये मैंने बहुत मेहनत से बनाई थी ये एक्रेलिक्स और सारे गोटे किनारों के साथ. इसे भी मंडाला कहते हैं क्योंकि मैंने अपने उस वाले मंडाला से जो है इसे मैच करना था, ये वाला जो था मैचिंग तो फिर भी नहीं हुआ, लेकिन हाँ आई ट्राइड माय बेस्ट कि कुछ ऐसी चीज़ इधर लगी हो ताकि वो अच्छा लगे, ठीक है. उसी के नीचे ईजल पे मैंने एक पेंटिंग रखी हुई है, ये पूरा ईजल है, जो कि मेरी सेकेंड ईयर की ही असाइनमेंट है, अभी 2 महीने पहले मैंने ये बनाई थी, ठीक है. और इसमें मैंने ऑयल पेंट्स यूज़ किए हैं एजिजन से, ठीक है, ऑयल पेंट्स यूज़ किए हैं. स्टिल लाइफ पेंटिंग है ये 2x2 कैनवस पे, और बड़े मुश्किलों से बनाई थी, मुझे इतने अच्छे ऑयल पेंट्स यूज़ करने नहीं आते, लेकिन ये करने के बाद हाँ मुझे समझ आ गई थी कि मैंने किस तरह से ऑयल पेंट्स यूज़ करने हैं. मज़े का था, लेकिन मैं ज़्यादा एक्रेलिक्स यूज़ करती हूँ, मुझे एक्रेलिक्स यूज़ करना ज़्यादा अच्छा लगता है, तो ये एक और असाइनमेंट जो है मैंने अपनी ऐसी रूम में रखी हुई है एक कोने में लगा के, क्योंकि अच्छी लग रही थी
अच्छा फिर हम आते हैं साइड पे जो कि एंट्रेंस के साथ बिल्कुल वॉल है। ये क्या है? ये एक्चुअली मेरा चाइल्डहुड है और मैंने इसको ज़रूर लगाना था क्योंकि मुझे कार्टून बहुत पसंद है। फिर नेक्स्ट डोर पावर गुड कह रही हूँ, बिली एंड मैंडी, करेज द कावर्ड डॉग, समुराई जैक, डेक्स्टर, लाइक व्हाई नॉट। आई मीन अच्छा जी, फिर आते हैं हम दरवाजे की तरफ, ठीक है। वहाँ पे भी ऑब्वियसली मैंने कार्टून करेक्टर जी लगाए हुए हैं, शीगो, कुस्को, रायली, कैट डॉग, ब्लू, रेवन, हिम, पापा गर्ल्स का, डिज्नी, निकलोडियन और कार्टून नेटवर्क। इनको मैंने ज़्यादा तरजीह इसलिए दी हुई है क्योंकि ये 1998 में रिलीज़ हुए थे और 1998 में मैं पैदा हुई थी, तो मेरे फेवरेट कार्टून्स हैं। तो अच्छा, मैंने कहा मैं आपको थोड़ी सी अपनी असाइनमेंट्स भी दिखा दूँ कि मैंने क्या क्या बनाया हुआ है। ये डेफिनेटली मेरी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की असाइनमेंट्स हैं, लेकिन 20% भी नहीं है ये मेरे काम की। आधे से ज़्यादा काम है स्टोर में पड़ा हुआ है और वो बहुत पीछे करके पड़ा हुआ है, मुझसे निकल नहीं रहा था, तो मैंने जो मेरे हाथ में लगा वो मैंने उठा के लगा दी। ये असाइनमेंट अपनी इतनी पसंद है क्योंकि मैं अब दिखाती हूँ आपको क्यों पसंद है, क्योंकि मैंने इसमें इतनी मुश्किलों से वुड बनाई थी, ठीक है। और ये हमारी असाइनमेंट लाइंस के ऊपर थी, ठीक है। मैंने कहा था कि आप अपनी क्लास से बाहर निकलें, ठीक है, और जो भी आपको लगता है कि आपकी लाइंस उसमें ठीक आएंगी उधर की पिक्चर लें और उसको ड्रॉ करें। ये मैंने वीविंग मशीन अपने टेक्सटाइल डिपार्टमेंट में जाके तो ली थी पिक्चर वीविंग मशीन की, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा सही लाइंस आ रही थी। तो ये मैंने ड्रॉ किया था फर्स्ट ईयर में अपने, लाइक पिछले साल, और मुझे बहुत पसंद है अपनी ये ड्राइंग। ये भी फर्स्ट ईयर की असाइनमेंट है, ये मैंने स्टिपलिंग के साथ की थी। लाइक ये सिचुएशन है इधर सारी, लाइक सारा मैंने जो है स्टिपलिंग के साथ, डॉट्स के साथ सारा बनाया था, एक एक उसकी लाइन, एक एक कर्व जो है उसका मैंने सारा उससे बनाया था, स्टिपलिंग से, और बहुत मुश्किल है। मुझे ये समझ नहीं आ रही, पता नहीं है शायद पुरानी हो गई है असाइनमेंट, तो ये ग्रीन क्यों हो गया, आई डोंट नो। और वो भी कुछ कुछ पैचेस, ये वाला एरिया ग्रीन हो गया, मुझे पता नहीं है, हालांकि मैंने ये ब्लैक से किया था। लेकिन बहुत मेहनत लगी थी, बहुत देर लगी थी बनाने में, लेकिन बहुत मज़ा भी आया था बनाने में इसको। फिर आती है ये असाइनमेंट, सिलुएट बनाना था हमने। हम जाके अपने डिपार्टमेंट से बाहर हमने एक पिक्चर ली एक जगह की, उन्होंने कहा था कि आर्टिस्टिक सी जगह की कोई पिक्चर लें, तो मैंने ये एक दरवाजे की पिक्चर ली थी जिसके अंदर से हमारा पिछले कोई डिपार्टमेंट नज़र आ रहा था, पता नहीं कोई रूम सा था, मुझे नहीं पता कौन सा रूम था, लेकिन ये मैंने बनाया था पॉइंटर से, ठीक है। सारा ब्लैक पॉइंटर से हमने जो है उसका सिलुएट बनाया था और मुझे बहुत पसंद है, ये भी बहुत पसंद है मुझे अपनी असाइनमेंट। ये प्रिंट मेकिंग की असाइनमेंट है, सेकेंड ईयर की ही असाइनमेंट है। ये लाइनों कट शीट मिलती है, उसको आपने कार्व करके उसके ऊपर पेंट लगा के, इंक लगा के तो पेपर के ऊपर रख के तो उसका प्रिंट आउट निकलवाना होता है मशीन में रख के, प्रिंटिंग मशीन में रख के, तो बहुत इसमें तो बहुत हाथ कटा था मेरा, लाइक उंगलियां आपकी जो है ना हर जगह से ऐसा लगता है बस खून रस जाएगा, क्योंकि इसकी ब्लेड इतने शार्प होते हैं, इसका जो कार्विंग टूल्स होते हैं इतने शार्प होते हैं, लाइक क्योंकि फॉर द फर्स्ट टाइम मैं यूज़ करी थी, हमारी सारी क्लास में यही हाल था कि बच्चों के हाथ इतने कटे थे ना इसको बनाते हुए, बहुत पेनफुल तरीन हमारी ये असाइनमेंट है। आती है एक एक्सट्रैक्ट ड्राइंग हमारी जो कि हमने लाइंस और पैटर्न से बनानी थी, तो ये हमने लाइंस और पैटर्न से एक एब्स्ट्रैक्ट तैयार किया था, सब बच्चों का डिफरेंट था, बहुत अच्छा इन्होंने काम किया था सब ने इसके ऊपर। ये असाइनमेंट हमारी थी कि हमने एक ही लाइन को लेके जाना था, उसको आगे इस तरह से हमने बनाना था बगैर तोड़े कि एक इमेज तैयार, लाइक इमेज बन जाए बीच में, ठीक है। तो ये हमारी एक असाइनमेंट थी, ठीक है, और वो इमेज हमने क्रिएट की थी बीच में। फिर आती है लाइव ड्राइंग, मेरे पास इस वक्त मेरी यही लाइव ड्राइंग पड़ी हुई थी क्योंकि मेरी बाकी सारी लाइव ड्राइंग्स जो हैं यूनिवर्सिटी में पड़ी हुई हैं और यूनिवर्सिटी बंद है, तो मुझे हालांकि इतनी पसंद नहीं है, लेकिन मैंने इसमें शूज़ बड़े अच्छे बनाए थे, तो आई एम लाइक व्हाई नॉट, और शक्ल भी बेहतर बनी गई थी। ये हमारे टीचर के ड्राइवर अंकल हैं जो कि मॉडलिंग करते हैं हमारे लिए, और उनको फिर हमने बैठ के बनाया था।
फिर आती है ये असाइनमेंट जो कि एक एक्रेलिक शीट के ऊपर बनती है, वो एक ट्रांसपेरेंट शीट होती है, शीट नहीं मतलब एक प्लेट टाइप से होती है, उसके ऊपर हम ऑयल पेंट से मोटे मोटे स्ट्रोक्स के साथ पेंटिंग करते हैं, ठीक है। उसके ऊपर हम पेपर रख देते हैं और ना स्पून के साथ हम उसके ऊपर ना रब करते हैं कि वो प्रिंट आ जाए आपका चार्ट पेपर के ऊपर या फिर किसी भी शीट के ऊपर, तो वो इस तरह से उसके ऊपर फिर प्रिंट आ जाता है, बहुत प्यारा लगता है। मोनो प्रिंट होता है, इसका सिर्फ एक ही प्रिंट निकलता है। दूसरे प्रिंट निकालने के लिए आपको दोबारा से ड्राइंग बनानी पड़ती है और फिर वो दोबारा से आपको सारा प्रोसेस करना पड़ता है। तो मेरे बड़े सारे प्रिंट्स आए हुए थे, लाइक बहुत सारे प्रिंट्स के बाद ये जाके एक परफेक्ट बना था। ये भी अभी मुझे इतना अच्छा नहीं लगता, लेकिन फिर भी मैंने इसको फ्रेम करा लिया क्योंकि वाई नॉट, असाइनमेंट थी, मेहनत थी मेरी। आती है फोटोग्राफी की असाइनमेंट और ये हमारा फोटोग्राफी का काम है। सारे बच्चों ने अपनी अपनी फोटोग्राफी का काम जो है ऐसे ही फ्रेम करा के डिस्प्ले पे लगाने हैं अभी अपकमिंग हमारा जो डिस्प्ले होगा। तो ये दो असाइनमेंट्स तो अभी हमारी डिस्प्ले में लगनी है, लाइक ये अभी हमारी डिस्प्ले में नहीं लगी, ये सेकेंड ईयर का काम है हमारा। देन देयर इज़ मिनिएचर, माई फेवरेट। ये मैंने अपना ही पोर्ट्रेट बनाया था वाटर कलर से, ट्रांसपेरेंट वाटर कलर्स मिलते हैं, लाइक इतनी सी वो एक डिब्बी सी होती है बिल्कुल छोटी, उसके अंदर वाटर कलर आता है। 0.00 ब्रशेस से मैंने ये बनाया था और लाइक मैंने तो अपनी पूरी मेहनत की थी कि मैं सही से बना सकूं, लेकिन मुझे अभी भी नहीं उसके अंदर फॉल्ट्स नज़र आते हैं कि मैंने यहाँ पर बहुत ज़्यादा लगा दिया है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा लगा दिया है। लेकिन हाँ, ये मैंने बनाया था अभी, आई गेस है ये सेकेंड ईयर का काम ही, लेकिन पिछले साल जो है जब हमारा सेशन स्टार्ट हुआ था तब हमने ये बनाया था सेल्फ पोर्ट्रेट, और ये मेरा सेल्फ पोर्ट्रेट है। फिर हम आ गए थे फ्लोरल डिज़ाइंस पे। ये कैमरे में ना सही तरह नज़र नहीं आता, हाँ ये हमने, ये भी हमने पीछे टी स्टेन लगा के और फिर उसके ऊपर ऊपर इसी जो ट्रांसपेरेंट वाटर कलर होता है इसी से हमने जो है ये सारी चीज़ें बनाई थी। लाइक हर बच्चे का डिफरेंट स्टाइल था बनाने का, उसका डिफरेंट डिज़ाइन था, तो ये पर्दाख से हमने जो है ये सारा बनाया था, ठीक है। ये भी अगर मैं आपको दिखा दूँ सही तरह, तो ये बनाया था हमने। फिर आता है मेरा ये वाला काम, मिक्स मीडिया का ये काम है मेरा, ठीक है। मैंने बबल शीट के अंदर कलर्स इंजेक्ट करके तो अपना पोर्ट्रेट बनाया था, ठीक है, और मैंने कोई 30+ स्किन शेड्स बना छोड़े थे। मैं आपको करीब से भी दिखाती हूँ, ये देखें, आए हाय, अब तक तो अंदर पता नहीं कितने खुश्क हो गए हैं क्योंकि मैंने ये बहुत पहले बनाया था। तो ये इससे मैंने अपना पोर्ट्रेट बनाया था बबल शीट्स और एक्रेलिक कलर्स लेके, तो उसके अंदर कलर इंजेक्ट किया था। बहुत मुश्किल काम था करना, लेकिन मैंने कर लिया शुक्र अल्लाह का और बड़ा अच्छा बन गया, और वैन में लाते लाते यहाँ से ख़राब भी हो गया, जो कि मैंने अभी ठीक करना है इसको सारा। मुझे पता नहीं है मैंने इसको कैसे ठीक करना है, शायद दोबारा कलर इंजेक्ट करूँगी इसके अंदर और उसको इसे ठीक करूँगी। बाकी यस, ये दोबारा पीछे हो जाते हम। ये हमारा काम है जी, जो कि 20% काम है अभी, तो अभी तो इतना सारा काम मेरा स्टोर में पड़ा हुआ है जो कि मैं निकाल नहीं सकी। एक और असाइनमेंट थी हमारी स्कल्पचर की, वायर मीडियम में ये बनी थी। मैंने कॉपर वायर और सिल्वर वायर इस्तेमाल की थी इस मॉथ इंसेक्ट को बनाने के लिए। एक एक वायर को बेंड करके उसको इकट्ठे जोड़ के, ग्लू हमने कोई यूज़ नहीं करनी थी क्योंकि ग्लू इसके ऊपर लग भी नहीं सकती थी सही से और ना हमें अलाउड था, तो हमने उसी कोई जोड़ जोड़ के जो है बनाया था इसकी लेग्स, इसके मौत का सारा डिज़ाइन, इसकी आँखें, इसका एंटनाज और सारा कुछ। बहुत हाथ कटे थे इसको भी बनाते हुए और लेकिन बन गया था और ये बहुत अच्छा लगता है एक ब्लैक वॉल के ऊपर। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, होप यू गाइस लाइक माय वर्क। इफ यू डू, गिव इट अ बिग थम्स अप, सब्सक्राइब टू माय चैनल, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। आई विल सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो। Thank you. Allah Hafiz.